إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज हमारी क्लास गुज़श्ता तरतीब के अतबार से 112 नंबर क्लास है और आज हम अपनी इस क्लास में सूरत ज़ारियात से शुरू करेंगे जो कि 27वें सिपारे के अंदर मौजूद है और सूरत का नंबर है 51। आज यहाँ से शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और सही तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरत ज़ारियात, लफ्ज़ ज़ारियात जो है बिखरना किसी चीज़ का, ज़ारियात किसी चीज़ को बखेरने वालियाँ, और अरबी ज़बान में लाजमी नहीं है कि जो ये अलिफ़ और ता के साथ जमा आती है वो जमा मुअन्नस की हो। यानी उमूमन होता यह है अलिफ़ और ता के साथ होने वाली जमा, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमात, मुसलमान औरत को कहते हैं, और इसके जमा है मुस्लिमात, आखिर में अलिफ़ और ता आता है। और ऐसे ही जैसे साइमतुन से साइमात, और ऐसे ही मुमिनतुन से मुमिनात। ये लेकिन लाजिम नहीं है कि जो अलिफ़ और ता के साथ जमा हो रही हो वो मुअन्नस हो। उसके लिए हमारी एक तो ज़बानों में डिफरेंस हो सकता है कि एक चीज़ हमारे यहाँ अरबी ज़बान में वो मुअन्नस हो और हमारे यहाँ मुज़क्कर हो। जैसे सूरज निकलता है, हमारे यहाँ सूरज मुज़क्कर है लेकिन अरबी ज़बान में हाज़ा शम्सु नहीं हाज़िही शम्सु बोला जाता है कि सूरज को मुअन्नस किया जाता है और चांद को अरबी ज़बान में मुज़क्कर किया जाता है। तो ये ज़ारियात अलिफ़ और ता के साथ जो जमा हो रही है इससे मुराद हवाएं हैं। बाज़ लोगों ने इससे फ़रिश्ते भी मुराद लिए हैं लेकिन ज़्यादा माना इसका माना है हवाएं को। अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि ये चीज़ें जो अल्लाह ताला की कुदरत से हैं उन तमाम चीज़ों की अल्लाह ताला कसम उठा के फरमाता है कि ये चीज़ बरहक है। तो चूँकि लफ्ज़ ज़ारियात उस माने में गुजरा है तो सूरत का नाम भी सूरत ज़ारियात है। और ये सूरत मक्की है और मक्का मुकरमा में सूरतें जो नाजिल होती हैं उनका मजमून वही होता है अल्लाह की तौहीद, रिसालत, आखरत का ज़िक्र, पहले अम्बिया का ज़िक्र, पहली कौमों का ज़िक्र और इंसान का मकसद दुनिया में आने का क्या है। तो इस सूरत में भी इस तरह के मज़ामिल मिलते हैं। अगरचे आयात छोटी हैं, अल्फाज जो हैं वो ज़रा अनोखे हैं ताकि समझाया जाए कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से है। सूरत को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, ज़ारियात कसम है, वाव कसम के लिए आती है। ज़ारियात बिखेरने वाली यानी अलग-अलग दूर दूर करके उड़ाने वाली, ज़रवा बखेरने वालियों का उड़कर, यानी जब वो ज़रवा उसका बिखरना, ये ज़रवा वज़्ज़ारियाति ज़रवा कसम है बखेरने वालियों की उड़कर, यानी ज़रवा उनका बिखेरना, उनका अलग-अलग करना। हवाओं का, हवाएं चल के मिट्टी को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को उड़ा उड़ा के कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। फ़लहामिलाति विक़रा, और इसी तरह कसम है फिर उठाने वालियाँ बोझ को, हामिलात उठाने वालियाँ, विकरन बोझ। अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़मीन पे जो उठाने वाली हैं बोझ को, जिसमें हवाएं भी हैं और भी चीज़ें हैं। फलजारियाती युसरा, बस चलने वाली युसरन आसानी से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से चलने वाली कश्तियाँ भी मुराद ली गई हैं, युसरन आसानी से, नरमी से। फल मुक़स्सिमाती अमरा, बस तकसीम करने वाले मामलात को, अमरन मामलात को, जिससे मुराद फरिश्ते लिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों की कसम है इस बात पे कि इन्नमा तुअदून लसादिक, जिस चीज़ का तुमसे वादा दिया जाता है वो यकीनन सच है। व इन्नद्दीन लवाक़े, व इन्नद्दीन, और बेशक दीन जज़ा इंसाफ, वाक़ होने वाला है। जैसे हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था ना, मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है, यानी दीन बदला। और यहाँ पे वो बदला मतलब इंसाफ के साथ जो बदला होना है वो हो के रहने वाला है, वाक़ होने वाला है। वस्समा, और आसमान की कसम, ज़ातिल हुबुक, हुबुक का माना राहें, रास्ते, और इसी तरह इसका माना ज़ेब व ज़ीनत, मुज़य्यन, कि अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर सितारे लगा कर, चमकने वाले सितारे लगा लगा के जो उसको मुज़य्यन किया है उसकी कसम। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ़, इन्नकुम बेशक तुम, लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ़, लफ़ी क़ौलिन के ए लोगो कसम है आसमान की, बेशक तुम जो है ऐसी बातों में पड़े हुए हो जो मुख्तलिफ हैं, इख्तिलाफ वाली बातें हैं, कि कुछ तुम कहते हो नाउज़ बिल्ला अल्लाह के नबी के बारे में ये जादूगर है, कभी कहते हो ये काहिन है, कभी कहते हो इसको कोई सिखाता है। ये जिस चीज़ में तुम पढ़ रहे हो ये सारा का सारा जो है वो मुख्तलिफ कौल है। युफ़क अन्हु, इससे दूर उसे रखा जाता है, मन उफ़िक यानी युफ़क अन्हु, इससे वही बाज रखा जाता है जो फेर दिया गया, यानी इस दीन इस्लाम से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही पीछे रहेगा जो कि मनउफिक पीछे कर दिया गया, जो फेरा उसे वही लेगा जो फिरने वाला है। फिर फरमाया कुतिल खर्रासून, अंदाजे लगाने वाले गारत हो गए, अंदाजे बेसनद बातें करने वाले, तुक्के लगाने वाले बेगारत हो गए, अपनी तरफ तुक्का लगा के ये हो गया वो हो गया। फरमाया कुतिल खर्रासून, ये जो अंदाजे लगाते हैं और ये जो है बेसनद बातें करते हैं, कुतिला गारत हो गए, बुरे हो गए। अल्लज़ीना हुम फी गमरतिहिम साहून, वो लोग फी गमरतिहिम जो अपनी गफलत में हैं, साहून भूले हुए, ऐसे लोग जो सिर्फ अंदाजे लगा के चल रहे हैं ये लोग जो है वो गारत हो गए, बर्बाद हो गए, ये लोग अपनी गफलत में जो है वो भूले जा रहे हैं। पूछते हैं आपसे, यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, पूछते हैं वो क़यामत का दिन कब आएगा, कब आएगा जज़ा का दिन। बता दीजिए, यौमहुम अलन नार युफ्तनून, हाँ ये वो दिन होगा जिस दिन ये आग पे युफ्तनून आजमाए जाएंगे, हाँ जिस दिन आग पे इन्हें गर्म करके तापा जा रहा होगा, जिस दिन इन्हें अजाब दिया जा रहा होगा वो दिन होगा। कहा जाएगा ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्ताजिलून, कहा जाएगा चखो अपने इस फितने को, अपने इस अजाब को, ये है वो चीज़ कुन्तुम बिही तस्ताजिलून, जिसे तुम जल्दी से मांगते थे। इसके मुकाबले में नेक लोग क्या होंगे, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व अयून, नेक लोग होंगे बाग़ात में और चश्मों में। आख़िज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, जो उनके रब ने उन्हें अता फ़रमाया वो सब कुछ लेने वाले होंगे। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, इसलिए कि इससे पहले ये लोग नेकियां करने वाले थे। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, कानू ये थे इस तरह के लोग, यहजाऊन का माना है रात का सोना, कि ये लोग जो नेक लोग हैं रात को बहुत कम सोते थे और जाग कर क्या करते थे, नाउज़ु बिल्लाह कोई बुराइयां करते थे। आजकल भी लोग रात को बहुत कम सोते हैं, लेकिन आजकल के लोगों का रात का ना सोना और उन लोगों का रात का ना सोना इसमें बड़ा फ़र्क है। वो लोग जाग के क्या करते हैं, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, वबिल असहारी, अपने इस जागने में, सहरी के औकात में, हुम यस्तगफिरून, वो अल्लाह से माफ़ी तलब करते थे। वो लोग जो मुत्तकीन होंगे, जो चश्मों में होंगे, जो रब के दिए पे खुश होंगे, वो लोग जो मुहसिनीन थे, वो रात को जागा करते थे और रात को जाग करके नाउज़ बिल्लाह कोई आजकल के लोगों की तरह कोई अयाशियों में, बुराइयों में और बुरी चीज़ देखने में और अपने मोबाइल पे टाइम वेस्ट करने में, इन चीज़ों पे नहीं होते थे, बल्कि रात को सहरी के वक्त में उठते थे। आजकल हम सोते सहरी के टाइम में हैं, वो जागते उस टाइम थे और अपने इस जागने में रब से गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। यह है उनकी एक सिफत मुत्तकीन की। फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, उनके माल जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए थे उसमें हक़ होता था साइल मांगने वाले का भी, वल महरूम और ऐसे लोगों का भी कि जिनके पास कुछ नहीं होता, सवाल से सवाल करने वाले और सवाल से बचने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग के ले लेते हैं, मांगने वाले हमें ये दे दो हमें वो दे दो, उन्हें इंसान जो है जितना इंसान थोड़ा सा दे सकता हो दे दे, अल्लाह ताला उसके देने का उसे अजर अता फरमाएगा। और महरूम लोग जो सवाल भी नहीं करते और उनके पास कुछ भी नहीं होता है, ऐसे लोगों का हमें तलाश करना है, ऐसे लोगों का हक़ है माल में। फरमाया अल्लाह ताला ने मुत्तकीन वो हैं, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन, हक़ है। हम अगर किसी को अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं तो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारे माल के अंदर उसका एक हक़ है जो अल्लाह ने रखा है, जिसको हम अदा कर रहे होते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया वफ़िल अर्दी आयातुल लिलमुक़िनीन, वफ़िल अर्दी और ज़मीन के अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं यकीन करने वालों के लिए। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और ए लोगो तुम्हारे अंदर भी ज़रा अपनी खलकत और पैदाइश पे गौर कर लो, अल्लाह ने तुम्हें कैसे बनाया, क्या समझ दी, क्या अक़ल दी, ज़मीन व आसमान और ये सब चीज़ें जो हमारे लिए बनाई गई हैं। फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी आयतें निशानियां हैं। अफ़ला तुबसिरून, क्यों नहीं तुम गौर व फिक्र करते हो, क्यों नहीं देखते हो। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है कि अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारा रिज़्क़ नाजिल करता है या आसमान से अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है, और उसके ज़रिए बहुत सारी पैदावार होती है और उसके नतीजे में बहुत सारी मसनूआत बन के हमारे सामने हमारे लिए रिज़्क़ बनती हैं। फरमाया वमा तुआदून, और जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है जन्नत का, नेमतों का, वो सब कुछ आसमान में है। फवरब्बिस समाइ वल अर्ज़, और फिर फरमाया और आसमान और ज़मीन के रब की कसम, इन्नहु लहक़, बेशक ये सब कुछ जो बयान किया जा रहा है ये बरहक़ है। मिस्लमा अंतुम तंतिकून, ये ऐसे ही बरहक़ है जैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हो, जैसे जो है ये हो गया वो हो गया, ये देख लो वो देख लो, इसी तरह फरमाया ये सब कुछ जो बयान किया जा रहा है ये बरहक़ है। हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, अब अल्लाह ताला कुछ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात ज़िक्र करना चाहता है इस सिलसिले में, बताने के लिए कि ए लोगो पहले अम्बिया भी आए, उन्होंने भी बताया, तुम्हें बताया जा रहा है ये क़ुरान बरहक़ है, ये रसूल बरहक़ है, ये दीन जो भेजा गया है ये बरहक़ है, ऐसी है जैसे तुम आपस में दूसरी चीज़ों को समझते हो। हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, फरमाया क्या आपके पास खबर आई है हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खबर आपके पास आई है। मुकरमीन जो मुअज़्ज़ज़ थे, इज़्ज़त वाले थे। गोया कि अल्लाह ताला बताना ये चाहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इल्म नहीं था, हम आपको बता रहे हैं वही के ज़रिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आए और मुकरमीन बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे। इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी आगे से कहा क़ाला सलामुन क़ौमुन मुनकरून, दिल में ये कहा कि ये तो कोई अजनबी लोग हैं जिन्हें वो जानती नहीं है, पता नहीं कौन है। फराख इला अहलिहतिही, अपने घर के वालों की तरफ जो है वो चुपके से चले गए अंदर। फजाअ बिइजलिन समीन, और एक इजल एक बेछड़ा जो है वो गोश्त का समीन मोटा ताज़ा, वो जो है उसका जो है वो भुना वो लेके आ गए खाने के लिए। फक़र्रबहु इलैहिम, उनके करीब किया। काला अला ताकुलून, कहा क्यों नहीं खाते हो। दिल ही दिल के अंदर जो है ये डर आ गया कि ये आखिर जो मेहमान ऐसा होता है कि जिसके आगे खाना रखा जाए वो खाता है और ये हाथ भी नहीं लगा रहे, तो डर गए कि कहीं कोई शर या बुराई तो नहीं ये करने आ गए। कालू ला तख़फ़, जब उन्होंने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालत तो कहा मत डरिए, और आगे बता दिया कि हम तो रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। वह बशरूह बिग़ुलाम अलीम, और एक इलम वाले, एक जानने वाले, एक इलम रखने वाले बेटे की खुशखबरी दे दी। जब बेटे की खुशखबरी मिली तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस बात को सुन रही थी। फ़अक़बलत इम्राअतुहु फ़ी सर्रतिन, यानी उनकी बीवी जो है वो हैरानगी में चली गई। फ़सक्कत वजहहा, और अपने हाथ, चेहरे पे हाथ जो है वो मारे, जैसे इंसान खुशी के मारे या किसी हैरानगी के मारे में हो कर देता है हाथ रख के, इस तरह किया। वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, और कहा कि वो तो बूढ़ी है और अक़ीम बांझ भी है, तो बेटा अल्लाह ताला कैसे देगा। क़ाल रब्बुकी, लेकिन तेरे रब ने ये कहा है। बेशक तेरा रब हिकमत वाला है और तेरा रब जो है वो इल्म वाला है। अल्लाह ताला जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे, जिस कदर चाहे, जिस हसीयत में चाहे, अल्लाह ताला कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पीछे सूरत हूद में भी तो अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है, और कुछ हिस्सा सूरत इब्राहीम में भी आया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आए। कौम लूत का वाक़या सूरत हिजर में भी थोड़ा सा ये बयान हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहले फ़रिश्ते आए, उन्होंने बेटे की खुशखबरी दी, फिर कौम लूत के पास जाके अज़ाब दिया। और सूरत ज़ारियात में ये वाक़या जिस अंदाज से बयान किया गया है, इसमें यह बयान मकसूद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह की वही से बताते हैं, उन्हें भी कोई इल्म गैब नहीं था, वगरना आने वाले मेहमानों को पहचान लेते कि फ़रिश्ते हैं, और फरिश्ते तो खाना नहीं खाते हैं। अपने दिल में डर सा आ गया, इसका मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनका पता नहीं था, अल्लाह ने वही के ज़रिए बताया है। और इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं, इसलिए याद रख लें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मुकाम, मर्तबा बहुत बड़ा है। लेकिन आलिमुल गैब होना, गैब की ख़बरें जानना, ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे है। फ़रिश्तों ने आगे से कहा क़ालू कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, तेरे रब ने ऐसे ही कहा है, बेशक वो हिकमत वाला है और रब जानने वाला है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम, क्या है तुम्हारा मकसद, अय्युहल मुरसलून, ए भेजे जाने वालों, ए फरिश्तो तुम आए हो, किस मकसद से आए हो। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, फरमाए हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा जा रहा है। और वह कौन है कौम, कौम लूत की कौम है जो बुराइयों में पड़ी है। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम जो है उन पर पत्थर बरसाएं, मिन तीन जो मट्टी से बने होंगे पत्थर, कंकरियां, लिनुरसिला अलैहिम हिजारतन, ऐसे पत्थर जो मट्टी से बने होंगे वो उन पर बरसाए जाएंगे। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, मुसव्वमा निशान लगाए होंगे तेरे रब के यहाँ, लिल मुसरिफीन, के ये हद से गुजरने वालों के लिए हैं। गोया के उन पत्थरों पर भी होगा ये कि फला पत्थर फला को जाके लगना है, फला पत्थर फला को जाके लगना है, बाकायदा निशान ज़दा होंगे। फरमाया फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन, अल्लाह का जब अज़ाब आया तो अल्लाह ने फरमाया हमने उस बस्ती से, वहाँ से, उस कौम से निकाल दिया उन लोगों को जो मोमिन थे। फमा वजदना फीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन, और ना पाई हमने वहाँ पे सिवाय एक मुसलमान घराने के, कोई और घराना वहाँ नहीं था। और ये था लूत अलैहिस्सलाम का घराना। लूत अलैहिस्सलाम की दो बेटियाँ थीं जो उन पे ईमान लाए, और कुछ रिवायात में यह है कि उन पे ईमान लाने वाले 13 लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बचा लिया था। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने, ज़रा नोट करें दो चीज़ें, अल्लाह ने फरमाया हमने वहाँ से मोमनों को निकाल लिया, फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन। अगली आयत में कहा कि नहीं, हमें वहाँ पे कोई घर नहीं मिला सिवाय एक मुसलमान घराने के। इससे क्या मतलब है, क्या मोमिन और मुसलमान लफ्ज़ में कोई फ़र्क है? इसके बारे में हम सूरत हुजरात में जान चुके हैं कि ईमान और इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कभी कभी जब दोनों लफ्ज़ मुकाबल में आ जाएं तो वहाँ इस्लाम ज़ाहिरन तस्लीम करना और ईमान, दिल से चीज़ों पे ईमान लाने के लिए आता है। अब जब अल्लाह ताला ने कहा कि हमने वहाँ से ईमान वालों को निकाल दिया, तो उसमें मुसलमान जितने थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन जब घर का जिक्र किया तो मुस्लिम कह के, मोमिन कह के नहीं, क्योंकि उसमें तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी तो घर में रहती थी ना, लेकिन वो मोमिन नहीं थी, वो काफिर थी, लेकिन जाहिरन लूत अलैहिस्सलाम के ताबे थी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों का घर बोला और निकालने वालों को मोमिन बोला। इससे दो मतलब लिए जाते हैं, एक मतलब तो ईमान और इस्लाम में कोई फर्क नहीं, और एक ये है कि ईमान और इस्लाम में फर्क है। उस बैत पे मुस्लिम इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पे एक औरत काफिर भी रहती थी, लेकिन जो निकाले जाने वाले लोग थे वो सारे के सारे मोमिन थे। तो अल्लाह ने फरमाया फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मुमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा ग़ैरा बैतिम मिनल मुमिनीन, नहीं मिनल मुस्लिमीन, पीछे का मिनल मुमिनीन, निकाले जाने वाले मोमिन थे, उससे अजाब से बचाए जाने वाले, लेकिन घर जो था वो एक था मुसलमानों का। चूंकि मुसलमानों का घर बोला क्योंकि उसमें लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान वालों में से नहीं थी। फिर अल्लाह ने फरमाया वतरकना फीहा आयतन लिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अल-अज़ाब अल-अलीम, और हमने वहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम की उस बस्ती में निशानियाँ छोड़ दी, वहाँ पे जो दर्दनाक अजाब होया था। फरमाया तरकना फीहा आयतन, हमने उसमें एक निशानी छोड़ी, अलामत छोड़ी, लिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अल-अज़ाब अल-अलीम, जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए हम वहाँ पे बहुत सारी निशानियाँ हैं। आओ उस बस्ती को जाके देखो, वहाँ पे इस वक्त भी एक डेड सी है जिसके अंदर कोई जानवर जो है वो जिंदा नहीं रहता है, उसे आज भी डेड सी, बहरुल मौत के नाम से जाना जाता है। अगला वाक़या वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तान मुबीन, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम में भी बड़ी निशानियाँ हैं जब हमने भेजा उनको फ़िरऔन की तरफ बिसुल्तान मुबीन, वाज़े दलाइल दे के। फ़तवल्ला बिरुकनिही, तो फ़िरऔन बजाय ईमान लाने के मुंह फेर गया अपने मर्तबे के हिसाब से। वक़ाला साहिरुन औ मजनून, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये तो साहिर, जादूगर हैं या पागल हैं। नतीजा क्या निकला, फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम, फरमाया हमने उसे भी पकड़ा, उसके लश्कर को भी पकड़ा, और उन्हें जो है वो डाल दिया एक दरिया में, यम, वो जिसमें गर्क कर दिया। वहुवा मुलीम, और वो जो है वो मुलामत के लायक था। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना, इसी तरह फरमाया ज़रा कौम आद को भी देखें जब हमने उनके ऊपर अज़ाब भेजा, अर्रीहल अक़ीम, हमने उनके ऊपर वो ऐसी हवा भेजी जो अक़ीम थी, जो बांझपन वाली हवा, यानी ऐसी हवा जो खाली थी खैर व बरकत से, जिसमें कोई भलाई नहीं थी सिवाय बर्बादी के। ऐसी तेज़ हवा और आंधी हमने कौम आद पे भेजी थी, और वो हवा ऐसी थी मा तज़रू मिन शैइन अतत अलैहि, वो हवा किसी चीज़ को नहीं छोड़ रही थी, जिस चीज़ पे भी आती थी इल्ला जअलतहु कररमीम, उसे जो है जैसे हड्डी जो है रेजा रेजा हो जाती है, जर्रा जर्रा पोसीदा हड्डी, इस तरह करके वो हवा बना देती थी। इसी तरह फरमाया वफ़ी समूदा, कौम समूद में भी बहुत सी निशानियां हैं। इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन, जब उन्हें कहा गया था कि थोड़ा सा फायदा उठा लो, थोड़ा सा टाइम है तुम्हारे पास। जब उन्होंने अपने मुंह से मोज़ा मांगा, कौम समूद ने कहा था कि ये जो पहाड़ है ये जो है वो फट जाए और इससे जो है वो ऊँटनी आए, वो ऊँटनी हामिला हो और हमारे सामने जो है वो बच्चा दे दे, तो तब हम ईमान लाएंगे। पहाड़ फटा, उसमें से ऊँटनी निकली और ऊँटनी जो है वो बच्चा दिया, और वो ऊँटनी जो है अब उस कौम के अंदर चलती फिरती थी, अल्लाह की निशानी थी। और उसको उन्होंने जो है वो जब ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया और उसके पाँव काट दिए जो कि मना किए गए थे, तो अब उन्हें कहा कि 3 दिन है, गुजार लो जैसे गुजारने हैं, फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। एक माना ये, दूसरा माना यह है कि इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन, कि जब उन्हें कहा गया एक वक्त तक फ़ायदा उठा लो, ये शुरू की बात है जो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे की थी, यानी कि थोड़ा सा टाइम है, बाद में तुम्हें मौत आ जानी है। और दूसरा माना कि ये ऊँटनी को नुकसान पहुँचाने के बाद का टाइम उन्हें कहा गया तमत्तऊ हत्ता हीन। फ़अतौ अन अम्र रब्बिहिम, फ़अतौ उन्होंने नाफरमानी की, अपने रब के हुक्म की। फ़अख़ज़तहुमुस साइक़ा, तो उन्हें जो है वो एक चीख ने जो है वो पकड़ लिया, वो देखते रह गए। फ़अतौ अन अम्र रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु, एक कड़क ने, एक साइक़ा ने, और वो देखते रहे। फ़मस्तताउ मिन क़ियामिन वमा कानु मुंतसिरीन, फ़मस्तताउ, वो कहीं खड़े होने के काबिल ना हो सके, कोई खड़े होने उठ भी ना सके। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने उसको ऐसा मारा कि वो उठ भी ना सका। फमस्तताउ मिन क़ियामिन वमा कानु मुंतसिरीन, और उनकी कोई मदद नहीं की जा रही थी। व कौम नूह मिन क़ब्ल, और इन सब से पहले जरा कौम नूह भी गुजरी है। इन्नहुम कानु कौमन फासिकीन, वो भी बड़े फासिक कौम थी। इन सब में अल्लाह ने फरमाया है, निशानियां हैं कि अल्लाह ताला जो फरमा रहा है बरहक है, उसे मान लो। बहुत सारी निशानियां अल्लाह ताला ने पहले कौमों की शक्ल में तुम्हें दिखाई हुई हैं, इसलिए मान लो जो अल्लाह ताला बता रहा है सही है। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदि व इन्ना लमौसिऊन, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है। व इन्ना लमौसिऊन, और हम हैं वुसअत वाले, यानी इससे भी बड़ा आसमान बना सकते हैं, या हम सब कुछ देने वाले हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं है। वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, और जमीन को हमने एक फर्श बना के बिछाया है। फनिअमल माहिदून, बस कितने अच्छे हैं इसको बिछाने वाले। वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, और हर चीज से हमने जोड़ा बनाया, चाहे कोई जिंदा है, चाहे कोई जमादात है। अंधेरा है तो रोशनी है, गर्म है तो ठंडक है, और ऐसे ही वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, खुशकी है तो तरी है, चांद है तो सूरज है, मीठा है तो कड़वा है, खैर है तो शर है, ईमान है तो कुफर है, सआदत है तो बदबख्ती है, जन्नत है तो दोज़ख है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, लोगो अल्लाह की तरफ दौड़ो, रुजू करो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हें उस अल्लाह की तरफ से वाज़ेह डराने वाला हूँ। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना बनाओ, किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक न करो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं उसी की तरफ से तुम्हें वाज़ेह डराने वाला हूँ। कज़ालिक मा अतल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिन रसूलिन, लोगों इसी तरह जो तुमसे पहले थे उनकी तरफ भी जब कभी कोई रसूल आता था तो वो भी यही कहते थे। इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून, वो भी कहते थे कि ये तो दीवाना है या मजनू है, या तो कहते थे कि ये जादूगर है या ये दीवाना है। अतवासू भी, क्या वो इस बात को आप पीछे वालों को वसीयत करके गए हैं कि सारे लोग यही एतराज बना के बैठे रहे, आने वाले को ऐसे कहते रहो? ऐसा कुछ नहीं है। बल हुम कौमुन तागून, बल्कि ये सरकश कौम है। कहीं से कोई वसीयत नहीं है, कहीं से कोई बड़ों ने ऐसा नहीं कहा, ये सरकश कौम बन रहे हैं। फतवल्ला अन्हुम फमा अंत बिमलूम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सरकशों से मुंह फेर लें, यानी आप छोड़ें इनको, नहीं मान रहे तो छोड़ें, आप पे सिर्फ बात का पहुंचा देना है। फमा अंत बिमलूम, आप पे कोई मुलामत नहीं है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, और फरमाया कि याद दिलाते रहें, नसीहत करते रहें, ईमान वालों को नसीहत नफ़ा देती है, फ़ायदा देती है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत करना फ़ायदा देता है ईमान वालों को। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया नहीं हमने पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को। मकसद जिन्नों और इंसानों के पैदा करने का क्या है? ये एक आयत कुरान मजीद की बहुत अजीम आयत है जो सूरत ज़ारियात में 56 नंबर है। फरमाया जिन्नों इंसान को पैदा अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं किया कि ये जाके रहते रहें, बस रहें, खाएं पिएं और सो जाएं, बस नहीं, इसलिए नहीं। इल्ला लियअबुदून, मगर मेरी इबादत करें। और इस चीज़ को नफ़ी और इस्बात के साथ जैसे ना ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे नहीं पैदा किया जिन और इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए। असल मकसद इंसान का दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि जो है ये खाए पिए सो जाए घर बनाए और दुनिया के कामों में नहीं। असल मकसद इबादत है। इबादत के साथ अगर ये काम भी सारे किए जाएं तो सोना भी इबादत, चलना भी इबादत, कारोबार करना भी इबादत, बोलना भी इबादत, बैठना भी इबादत, खाना खाना भी इबादत, हर चीज इबादत बन जाएगी अगर इंसान उन तमाम चीजों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक लेके चले। तो फरमाया हमने इंसान को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है मा उरीदु मिनहुम मिर रिस्क, मैं उनसे कोई रिजक नहीं चाहता हूं, वमा उरीदु अन युतइमून और ना ही कोई मेरा ये मकसद इरादा है कि वो खिलाएं। दुनिया में जो बादशाह होते हैं अगर किसी बादशाह की सारी रियाया जितनी भी आवाम है अल्लाह ना करे सारी की सारी तबाह हो जाए तो वह बादशाह किस चीज करेगा, वे लोग ही नहीं है। तो बादशाह इसलिए बनते हैं ताकि लोगों से जमा करके उनके लिए वो लोग उसको कमा करके ला के दें, लोग उसके काम करें, उसको खिलाएं, वो बड़ा हो जाए। अल्लाह ने कहा कि मैंने जो इन इंसानों को पैदा किया है मुझे इनसे कोई रिज़्क नहीं चाहिए, मुझे इनसे कोई चाहत नहीं है कि ये आके खिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, रज़्ज़ाक़ तो वो अल्लाह है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह है, हुआ रज़्ज़ाक़ वही रिज़्क़ देने वाला है और वही कुव्वत वाला है। इन्नल्लाह हुआ रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला ही रोजी देने वाला है और वही कुव्वत अल-मतीन यानी वो कुव्वत जो ज्यादा ताकत वाली है, ज्यादा कुव्वत जो जोर आवर है, तवाना है। और मतीन का माना भी ताकत वाला है, कुव्वत वाला भी है और वह ताकत वाला भी है। वो अल्लाह वो रज़्ज़ाक़ है। उसको ये नहीं चाहिए कि ये रिज़्क इकट्ठा करें ताकि वो उसको रिज़्क मिले और वो बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह की इबादत पूरी करें। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम, अल्लाहु अकबर, मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्ताजिलून। बस बेशक जिन लोगों ने जुल्म किया इन लोगों में भी उसी तरह का हिस्सा है जिस तरह के पहले लोगों का हिस्सा रहा है। फला यस्ताजिलून, पस जल्दी ना करें। अरबी जबान में जब हम दुआ करते हैं ना रब्बनगफिर लना ज़ुनूबना, ज़ाल के ज़म्मा के साथ होता है ज़ुनूब, जो कि ज़म्बुन की जमा है जिसका माना होता है गुनाह, नाफरमानी। रब्बनगफिर लना ज़ुनूबना ज़ाल के ज़म्मे के साथ होता है जिसका माना होता है गुनाह करना। और उस दुआ में कहते हैं अल्लाह हमें माफ फरमा दे। जो ज़नूब होता है ज़ाल के फतहा के साथ, जैसे यहाँ है फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम। तो अरबी ज़बान में जो ज़नूब है ज़ाल के फतहा के साथ, ये उस डोल को बोला जाता है जिसको कुएं के अंदर डाल के पानी खींचा जाए और वो पानी बाहर निकाल के तकसीम किया जाए, दिया जाए, उस डोल को जो है ज़नूब बोला जाता है। तो अब यहाँ पे ज़नूब जो है इस माने में है कि उस पानी में चूंकि हिस्सेदार होते हैं, तो अल्लाह ताला बताना चाहता है, यानी इसको मुहावरे में समझ लें कि जैसे पहले लोगों ने अपने डोल उठाए और अपने गुनाह रखे तो ये भी उसी तरह भी ये भी इनके लिए भी उसी तरह के जो है वो डोल है। मतलब ये है कि हिस्सा है। इसका तर्जमा किया जाता है कि जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए भी जो पहले जालिम है इसी तरह इनके भी हिस्से में जो है उसी तरह ही है। फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम। वो पीछे बयान हुआ है ना, ये कौम आद है, ये कौम समूद है, ये कौम लूत है, उनका अंजाम ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब ये लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे हैं तो इन जालिमों का भी उसी तरह हिस्सा है जैसे कि इन जैसों का पहले हिस्सा था। फला यस्ताजिलून, पस जल्दी ना करें। और फिर आखिर में फरमाया फवैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल लज़ी युअदून, बस हिलाकत है, बर्बादी है, खराबी है काफरों के लिए, मुनकरों के लिए उस दिन से जिसका इन्हें वादा दिया जा रहा है। क़यामत के दिन का उस दिन वाले दिन इन काफरों के लिए बहुत बड़ी बर्बादी और हिलाकत होगी। ये थी सूरत ज़ारियात जिसमें अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया है कि कसम है हवाओं की, कसम है फरिश्तों की इस बात पे कि ये जो कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया है ये बरहक है, न मानने वालों के लिए सजा है और मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है जिसमें जो चाहेंगे अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाएगा। यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो बेटा दिया है उसकी सिफ्त अलीम जो रखी है, इस अलीम को अगर आज के दौर में हम समझ लें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बतौर नेमत के जितलाया है कि अल्लाह आपको एक ऐसा बेटा दे रहा है जो इल्म वाला होगा। तो इल्म एक नेमत है जो औलाद को वो इल्म देना चाहिए, ऐसा इल्म कि बाप कहे बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं और बेटा कहे कि ए मेरे बाप जो चाहे तू कर दे, मुझे तू कभी नाफरमान नहीं पाएगा। वो था बेटा अल्लाह ताला ने अता फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और ए लोगों, तुम्हारे पैदा करने का मकसद ही इबादत है, क्यों भाग रहे? अल्लाह ताला तुम्हें पैदा करके कोई अपनी पावर ज्यादा करना चाहता है कि तुमसे कोई दौलत और कोई रिजक इकट्ठा करके करना चाहता है? नहीं, अल्लाह ताला बल्कि रिजक देने वाला है। और ए जालिमो, पहले लोग जो है वो जुल्म में पड़े तो तुम भी उन्हीं की तरह क्यों हो रहे हो? बर्बादी और हिलाकत है काफरों के लिए उस दिन से जिस दिन का इनसे वादा है। ये इस सूरत का खुलासा है। अल्लाह ताला हमें भी इबरत इससे लेने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी क़यामत वाले दिन से डरने की तौफीक अता फरमाए। इससे अगली सूरत है सूरत तूर, और सूरत तूर भी मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली है और ये 52 नंबर सूरत है। और इस सूरत के भी अंदाज वही है जो सूरत ज़ारियात का है, बस यहाँ पे जो सजाए कलाम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। सूरत ज़ारियात की आयत पे गौर करें तो हर आयत के आखिर में सिवाय शुरू की चंद आयत के, जितनी आखिरी आयत हैं चंद आयत के अलावा सबका आखिरी सजा एक है, यानी आखिरी आयत का अंदाज और वो वाव नून पे ख़त्म होता है। जो इससे अगली सूरत है उसका सजा कलाम यानी अंदाज थोड़ा सा, जो कलाम की एक अंदाज होता है जिसको सजा बोला जाता है, या हम अपने अंदाज में कह दें कि स्टाइल, या हम उर्दू में कह दें अंदाज, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अंदाज ये है कि आखिर में जो है वाव और रा भी बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि इसमें नून बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक़ मंशूर वल बैतिल मामूर। अल्लाह ताला ने फरमाया कसम है तूर की। ये तूर वो पहाड़ है जिस पे जाके मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम उठा सकता है। अल्लाह ताला ने दिन और रात वल्लैल वन्नहार वश्शम्स वद्दुहा बहुत सी चीजों की कसम उठाई है। अल्लाह ताला से नहीं पूछा जा सकता। अल्लाह ताला कुछ चीज़ों की कस्में इसलिए उठाता है कि उनको गवाह बना रहा है आगे वाली चीज़ पे, या वो गवाह है इस चीज़ पे, या ताकीद के लिए। लेकिन इंसान के लिए, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाए। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाना वो हराम है, बल्कि शिर्क में आता है जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम उठाता है। तो फरमाया यहाँ पे वत्तूर, कसम है उस तूर पहाड़ की, वह किताब मस्तूर, और लिखी हुई उस किताब की। इससे कौन सी किताब मुराद है? इससे कुरान मजीद भी मुराद है और इससे बाज लोगों ने लौहे महफूज भी मुराद लिया है। और वो कुरान मजीद लिखा हुआ फी रक़ मंशूर। ये जो फी रक़ मंशूर अगली आयत है, ये आयत सिला है मस्तूर का, यानी गोया के पूरी की पूरी ये दो आयतें एक कलाम बनता है। और कसम है उस किताब की जो लिखी हुई है, एक ऐसे बारीक चमड़े में मंशूर जो फैला हुआ है। ऐसे बारीक चमड़ों में भी यह कुरान मजीद लिखा जाता था। और कसम है बैतुल मामूर की। बैतुल मामूर क्या है? मुहद्दिसीन मुराद लेते हैं, मुफस्सिरीन, कि इससे मुराद भी काबा ही है, लेकिन अहादीस में आता है कि मेराज वाली हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पे गए तो वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये बैतुल मामूर है जिसका रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तो उसका तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेता है क़यामत के दिन तक दोबारा वो तवाफ नहीं करेगा। वो बैतुल मामूर आसमानों पे है। और ये भी बताया गया है कि वो बैतुल मामूर और जमीन का काबा एक लाइन में सीधे हैं। जमीन पे काबा है जिसका तवाफ इंसान कर रहे हैं, और आसमान पे बैतुल मामूर है जिसका तवाफ फरिश्ते कर रहे हैं, और दोनों एक लाइन में है। आज की साइंस ये कहती है कि जमीन एक गोल दायरा है, बल्कि आज का नासा ये कहता है कि जमीन एक गोल दायरा है, गोल गेंद की तरह है, और ये जमीन अपने इर्द गिर्द यूं गोल अपने इर्द गिर्द इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूम रही है। यानी तकरीबन 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जमीन घूम रही है, और यह पूरा चक्कर जो सूरज के इर्द गिर्द लगा रही है, सूरज के इर्द गिर्द यह चक्कर जो साल में पूरा होता है, उसकी रफ्तार जमीन की है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो बहुत बड़ा मदार है जो साल के अंदर जो है जमीन पूरा करती है, और अपने इर्द गिर्द जो चक्कर घूम रही है 1700 किलोमीटर तकरीबन पर आवर के हिसाब से स्पीड है। जरा बताइए, अगर सूरज का इतना बड़ा मदार है, इतना बड़ा सूरज है, तो क्या वो जमीन का बैतुल्ला और आसमान का बैतुल्ला बराबर रह सकता है? क्या कुरान और हदीस सच बता रहे हैं? यह आज का नासा सही बताता है। लोग कहेंगे ये मौलवी क्या बातें करते हैं, साइंस ये कहती है। किसी ने ज़मीन के मदार को देखा है? किसी ने इतनी स्पीड पे चलते हुए देखा है? किसी ने कभी महसूस किया है? आज से हज़ारों साल पहले से जो आसमान के सितारे रात को नज़र आते हैं वो वहीं के वहीं नज़र आते हैं, वो वहीं के वहीं होते हैं। ये जो है दुब्बे अकबर है, ये दुब्बे असगर है, ये जो है वो शमाली सितारा है, वो वहीं पे नज़र आ रहा है। और ज़मीन इतनी तेज़ी से चल रही है, अगर ये साइंस कहती है, और सैटेलाइट ज़मीन से ऊपर खड़ी है, इतनी स्पीड से जो है वो घूम रही है, क्या ज़मीन की इतनी स्पीड उन्हें जो है वो लेकर इतने फासले के साथ, इतनी स्पीड के साथ सूरज के इर्द गिर्द लेके घूम रही है? वो सैटेलाइट इंसान की बनाई हुई, भेजी हुई, बगैर किसी लाइन के, बगैर किसी ज़मीनी सड़क के, बगैर किसी तार के, इतनी स्पीड के साथ जो है ज़मीन के साथ घूमते हैं कि ज़मीन पे उसकी नशरियात एक सेकंड के लिए भी नहीं कटी जाती हैं। इसका मतलब या तो वो गलत है या यह ज़मीन का घूमना गलत है। सच यह है कि ज़मीन एक फर्श है, अल्लाह ताला ने बराबर बिछा दिया है, और इसके ऊपर सूरज और चांद घूम रहे हैं। ज़मीन पे काबा है, इसके सीध में ऊपर आसमान पे बैतुल मामूर है, जो कि हदीस में हमें बयान किया है। सच ये है जो हमें आजकल मालूमात दी जाती हैं, जो बचपन से हमें बताया जा रहा है, वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें गलत ज़रूर है, और उसके पीछे बहुत सारे मकासद हैं। बहरहाल यहाँ पे आयत आ गई वल बैतुल मामूर, और कसम है बैतुल मामूर की जो कि आसमानों पे है, और 70,000 उसके फरिश्ते उसके तवाफ कर रहे हैं। काबा के बिल्कुल सीध में सीधा बराबर है, और जमीन एक जगह पे साबित है, एक बराबर जो है वो एक प्लेट की तरह जो है वो सीधी है, और इसके ऊपर सूरज और चांद जो है वो घूम रहे हैं, और उसके ऊपर अल्लाह ताला का आसमान है, और आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का वो बैतुल मामूर है जो जमीन के काबे के बिल्कुल बराबर है। आगे अली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और कसम है सक़्फ़िल मरफ़ू की, वो जो आसमान ऊपर उठाया हुआ है उसकी जो है वो कसम। कितनी चीजों की अल्लाह ताला कसम उठा रहा है? वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक़् मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर, और कसम है बाहर समुंदर की, यानी जो भड़कने वाला है, जो भड़का हुआ जो है समुंदर है, उसकी कसम, जब ये मोजे मारता है इसकी कसम, सब चीज़ों की कसम इस बात पर है, इन अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ, तेरे रब का अज़ाब वाक़िअ होके रहेगा। मा लहू मिन दाफ़िअ, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यौम तमूरु अस्समाउ मौरा, जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा, हिलेगा। व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ जो है ये चलने लगेंगे। फवैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन हिलाकत होगी चुठलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, वो जुठलाने वाले जो कि अपनी बुरी चीजों में, फी खौज़िन, अपनी बेहूदगी में, बुराइयों में, यलअबून, खेलते कूदते रहे। यौम युदअून इला नारी जहन्नम दअआ, वो दिन वो होगा जिस दिन इन्हें जो है वो धकेला जाए, कहा जाएगा हाज़िहि नारु लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये है वो आग और जहन्नम जिसको तुम जुठलाते थे। अफ़सिहरुन हाज़ा, लोगों क्या ये जादू है? अम अंतुम ला तुबसिरून, और क्या या तुम देखते नहीं हो? कहा जाएगा इसलौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू, सब्र कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम्हारे ऊपर। इन्नकुम तुजज़ौन मा कुंतुम तामलून, जो दुनिया में तुमने किया वो उसका तुम्हें बदला मिल के रहेगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये इंसान तो नाजुक है, ये तो सारी जिंदगी इसने एसी में रह के गुजारी है, इसको तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं है, ये जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा, वहां पे नहीं होगा। सब्र कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दोनों सूरतों में जो है वो कहा जाएगा इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम, तुम्हें बदला मिल रहा है उन कामों का जो करते रहे हो। ये एक साइड है, और दूसरी साइड इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, मुत्तकीन जन्नतों में होंगे, नेमतों में होंगे। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, रब के दिए पे खुश होंगे, बड़े खुश होंगे जो कुछ रब ने दिया है उस पे। बिमा आताहुम रब्बुहुम वबक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और उन्हीं के रब ने उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया। कहा जाएगा उन्हें कुलू वशरबू हनीअन, खाओ पियो मज़े से जैसे चाहते हो। हनीअन यानी जितना तुम कर सकते हो खाओ पियो। बिमा कुंतुम तामलून, ये बदला है उसका जो तुम अमल करते रहे। याद रख लें, लोग कहते हैं जन्नत जो है वो अमल से नहीं मिलेगी, वो तो अल्लाह ताला ने देनी है, अमलों की क्या जरूरत। नहीं नहीं, याद रखें, इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत अल्लाह ताला की रहमत और फजल से मिलनी है, लेकिन अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल का मुस्तहिक बनना ये आमाल के जरिए बन सकता है। इंसान कहे कि मैं अमल करूं या ना करूं, जन्नत अल्लाह ने मुझे जो है वो अपने फजल से देनी है, तो ऐसा नहीं, अल्लाह के फजल के मुस्तहिक वो बनेंगे जो अमल करते रहे। यहाँ पे फरमाया कि ये वो जन्नत है, ये बदला है तुम्हारा उस चीज का। बिमा कुंतुम तामलून मुत्तकीन अला सुरुर मसफूफा, मुत्तकीन टेक लगाए हुए होंगे, अला सुरुरिन, बड़े बड़े तख्तों पे, मसफूफा जो बिछाए हुए होंगे, बराबर बिछे होंगे। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और वहां पे बड़ी बड़ी आंखों वालियों के साथ हमने इनकी निकाह कर दिए होंगे। ज़व्वजनाहुम, और फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान ले आए, वत्तबअत ज़ुर्रियतहुम बिईमानिन, और उनकी औलाद भी उनके पीछे लगी ईमान पे, तो अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनकी औलाद को भी उनके मर्तबे में पहुंचा देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम उनके अमाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं करेंगे। कुल्लु इम्रिइम बिमा कसब रहीन, हर एक जान जो कुछ उसने कमाया है उसी के ऊपर वो मरहून है, यानी उसी पर वो गिरवी है जो कुछ उसने कमाया है। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहा है, अगर इंसान वालिदैन नेक हुए, उन्होंने अपनी औलाद को भी नेकी के रास्ते पे लगाया, लेकिन औलाद वो मर्तबा हासिल ना कर सकी जो वालिदैन ने नेकी का मर्तबा हासिल किया था, तो अल्लाह ने उन नेक वालिदैन की खातिर जन्नत में आगे के मर्तबे में होंगे जो अपनी औलाद को ईमान के रास्ते पे लगा के गए। अल्लाह ताला इन औलाद को और मर्तबे देकर इनके वालिदैन के बराबर कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन आमनू वत्तबअत ज़ुर्रियतहुम बिईमान, और उनकी ज़ुर्रियत भी ईमान पे उनके पीछे लगी तो हम उनकी ज़ुर्रियत को भी उनके बराबर पहुंचा देंगे। और फिर फरमाया कानून यह है कि कुल्लु इम्रिइं बिमा कसबा रहीन, हर एक जान हर एक इंसान जो कुछ उसने कमाया है उसी पे बंधा हुआ है, उसी का मरहून है, उसी का जो है वो गिरवी है। फरमाया वअमददनाहुम बिफाकिहा, हम इनको हर तरह के फल देंगे, वलहमिन, और गोश्त, मिम्मा यश्तहून, जो ये चाहेंगे। यतनाज़ाउन फीहा कअसन ला लग़वन फीहा वला तासीम, वहां खुशतबी में एक दूसरे से जो है वो गिलास ले दे रहे होंगे। ला लग़वन फीहा, वहां पे कोई लग़व नहीं होगा, वहां पे कोई बुराई नहीं होगी, वहां पे जो है कोई ज्यादती और गुनाह नहीं होंगे। ये नहीं है कि दुनिया की तरह एक दूसरे से छीना छानी और छपटा छाटी होगा। वहां पे अल्लाह ताला इन्हें जो है एक आपस में खुशतबियां कर रहे होंगे। यतनाज़ाउन फीहा, खुशतबी करते हुए एक दूसरे से जाम जो है वो ले देंगे। और ला लग़वन फीहा, वहां पे किसी तरह की कोई बेहूदगी नहीं होगी। वला तासीम, और ना ही वहां पे कोई गुनाह होगा। वयतूफ़ु अलैहिम ग़िलमान लहुम, और अल्लाह ताला वहां जन्नत में छोटे छोटे खूबसूरत बच्चों को बनाएगा जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, जो इनके गुलाम और खादिम होंगे। कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, वो ऐसे होंगे जैसे कि छुपे हुए मोती होते हैं, जैसे कि ढके हुए मोती होते हैं। इस तरह करके अल्लाह ताला इनके लिए जो वहां पे गोया के जैसे वो होटलों में वेटर होते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए वो जन्नत में बनाएगा, गिलमान बनाएगा, जो इनके लिए जो है इनके जन्नत में इनके जो है वो वेटर बनेंगे। कअन्नहुम लुअलुअ मकनून वअक़बल बअज़ुहुम अला बअज़ यतसाअलून, अब ये जन्नती आपस में एक दूसरे से पूछेंगे क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम इससे पहले अपने घर वालों में रहते जो है वो डरते थे, पता नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम डरते थे। फ़मन अल्लाहु अलैना, बस अल्लाह ने हम पे एहसान किया। फ़वक़ाना अज़ाबस्समूम, और वो गर्म हवाओं वाले अजाब से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊहू, हम इससे पहले अल्लाह को ही पुकारते थे, अल्लाह से ही दुआएं करते थे। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो अल्लाह वही है, बेशक मेहरबान मुहसिन है और वही रहम करने वाला है। अब ये अल्लाह ने इस सूरत के शुरू में अजाब से डराया और डराने में भी हद कर दी। ये है जहन्नम, ऐसे होगा, और बाद में मुत्तकीन का बताया, नेक लोग ये होंगे, उनके लिए इनाम ये होगा। अब आखिर में फरमाया फ़ज़क्किर, आप इन्हें नसीहत कीजिए। फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, आप अपने रब की इस नेमत पे ना ही कोई काहिन है और ना ही आप कोई मजनून है। अम यक़ूलूना शाइरुन नतरब्बसु बिही, आपके बारे में कहते हैं कि ये शायर है और हम इस पे जमाने के हवादे या नतरब्बसु बिही रैबल मनून, यानी हम इसके कहने पे इंतजार करें जैसे जो है कई जमाने गुजरते जाएं। रैबल मनून यानी जैसे जो है वो हवादिस मनून, रैबल मनून कहते हैं गुजरे हुए लोगों की तरह, जो गुजरा हुआ जमाना जो है गुजर गए। ये शायर की बातों पे हम इंतजार करते रहें कि जैसे हवादिस ज़माना गुजर गए, मरने वाले मर गए, नए आए, तो हम इसकी बातों पे कैसे, ये तो इस तरह की बातें कर रहा है। एतराज उनका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, इनको जवाब दे दीजिए, कुल तरब्बस, इंतजार करो, फ़इन्नी महकुम, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। ये नहीं कि अब अचानक तुम्हारे लिए आसमान खुले और सब नजर आ जाए और तुम्हें जमीन फटे और सब कुछ, ऐसे नहीं, गैब पे ईमान लाना है। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा, क्या इनके ख्वाब, इनकी ख्वाहिशें, इनकी अक्लें इन्हें यही बताती हैं? अहलाम अक्ल पे भी बोला जाता है। क्या इनकी अक्ल इनको यही समझाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल हुम कौमुन तागून, बल्कि असल ये कि ये सरकश कौम है। हम यक़ूलूना तक़व्वलहू, या ये कहते हैं कि तक़व्वलहू, यानी ये बातें इसने अपने पास से बना ली हैं। बल्ला युमिनून, बल्कि असल यह है कि ये ईमान नहीं लाते हैं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं ला रहे हैं। फलयतु बिहदीस मिस्लिही, लाओ इस तरह की कोई बात बना के। फलयतु, अच्छा अगर ये सच्चे हैं तो लाओ इस तरह की कोई बात, बिहदीस मिस्लिही। अब यहाँ पे भी हदीस, लफ्ज़ हदीस कुरान पे बोला जा रहा है, लाओ इस तरह की कोई हदीस, लाओ इसके मिसल कोई कुरान, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो लफ्ज़ हदीस कुरान पे भी बोला जाता है और लफ्ज़ हदीस नबी के फरामीन, नबी के अक़वाल और नबी की अहादीस पर भी बोला जाता है। अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, फरमाया अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, क्या बगैर किसी पैदा करने वाले के ये खुद ब खुद पैदा हुए? जरा सोचें सही, बगैर किसी चीज़ के ये पैदा हो गए। आजकल जो है हमें बताया जाता है कि ये जो इंसान है, असल में ये इंसान की शक्ल जो है वो तरक्की याफ्ता इंसान है, ये तदरीजन इंसान बना है। पहले कोई जानवर था या बंदर था। बहुत से लोगों ने ये नजरिया पेश किया कि इंसान बंदर की एक मुजद्दद और नई बनी हुई शक्ल है और ये कायनात को किसी ने बनाया नहीं है। अजीब बात यह है कि हमारे बहुत सारे उलमा इस जदीद इंफॉर्मेशन से इतने इंस्पायर हो जाते हैं, इतने मरऊब हो जाते हैं कि कुरान मजीद की आयात को कोशिश करते हैं कि उनके मुताबिक लेके जाएं, ना यह है कि उन चीजों को लाके कुरान मजीद के परखा जाए। बताया जाता है साइंस में कि एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उस धमाके के नतीजे में जमीन जो है वो सूरज से अलग हुई और ये अचानक ऐसा हुआ और जमीन जो है वो अलग होकर एक फिक्स टाइम पे यूं चलने लग गई और इस तरह करके कायनात का वजूद में आ गया। क्या ये ऐसे ही हुआ है बगैर किसी बनाने वाले के? नहीं, सच ये है कि जमीन और आसमान को, इस सूरज और चांद को, इस कायनात को एक एक कर को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इंसान को भी पैदा किया है। इंसान दुफातन, अचानक, किसी बंदर या जानवर से बदल बदल के नहीं बन गया। फरमाया अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, बगैर किसी पैदा करने वाले के ये बन गए, बगैर किसी के कि अचानक एक धमाका हुआ और कायनात हमारे से वजूद में आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरतीब के साथ, मंसूबा बंदी के साथ अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया और फिर हर चीज को, जमीन को 2 दिनों में पैदा फरमाया और जमीन के अंदर जो कुछ है, सूरत हामीम सजदा में हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला फरमाया जमीन को हमने 2 दिन में बनाया और जमीन के अंदर ये जो कुछ है इसको फिर हमने 2 दिन में बनाया। तो जमीन को बनाने पर 4 दिन लगे और आगे 7 आसमान बनाने पे 2 दिन लगे, तो 6 दिनों में। और अल्लाह ताला के यहां जो दिन है उसकी मिकदार, ये दिन हमारे नहीं है जो 24 घंटे के हैं, बल्कि इंद रब्बिका अल्फ सनतिन, वो 1000 साल के बराबर का दिन है जो अल्लाह ताला के यहां है। तो अल्लाह ताला के यहां 1000 साल का जो दिन है उसके हिसाब से 6 दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया और फिर हमें बताया जाता है कि जमीन तो इतनी छोटी सी है और सूरज इतना बड़ा है और आसमान इतना बड़ा है, जबकि अल्लाह ताला ने ये क्या इतनी सी चीज को 4 दिन में और इतने बड़े आसमानों को जो है वो 2 दिन में बनाया? नहीं, इसका मतलब जमीन वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। कायनात का मरकज जमीन और आसमान है। अल्लाह ताला ने अस्समा वल अर्द, अस्समावाति वल अर्द, अस्समावाति वल अर्द, कोई एक जगह बताया कुरान मजीद में जहां अल्लाह ताला ने बताया हो कि कायनात का मरकज सूरज है। कोई ऐसी इजाद आज तक नहीं आई जिसको हकीकी पिक्चर में, कोई ओरिजिनल तस्वीर जो आज ये सोलर सिस्टम, निजाम शमसी है कि सूरज के इर्द-गिर्द इतने सैयारे हैं, फलां है, फलां है, और अभी तो इंसान कह रहा है वो तो मरीख पे चला गया, मार्स पे चला गया और वहां से ये नकल होके भी आ रहा है, ये पिक्चर, ये लाइव वीडियो, ये फला। इस सब कुछ के पीछे एक गेम है और ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसे हमें दिखाया जा रहा है, ये अलग पूरा मौजू है। बहरहाल जो बताना मकसद ये है कि अल्लाह ने यहां पे कहा है कि लोगों, बगैर किसी पैदा करने वाले के बगैर नहीं तुम्हें बनाया गया, ऐसा नहीं है। हम हुमुल खालिकून, और ना ही तुमने किसी को बनाया है। हम खलकुस समावाति वल अर्द, या जैसे अगली आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम खलको मिन गैर शै, बगैर किस चीज के पैदा हो गए। अम हुमुल खालिकून, ये खुद बनाने वाले, अम खलकुस समावाति वल अर्ज़, या इन्होंने जमीन और आसमान को बना दिया? ऐसा कुछ नहीं है। बल्ला युकिनून, असल ये है कि ये लोग यकीन नहीं करते हैं, रब की बातों पे यकीन नहीं कर रहे। आज इंसान जो है वो नई चीजों को सुन पे यकीन कर लेता है। जहां अब जरा मुझे सोचिए, कभी जरा गौर कीजिए, मैं उन लोगों को दावत देता हूं जो आजकल लोग आईटी में और आजकल मौसलाती निज़ाम में और टेक्नोलॉजी और आईटी में बहुत आगे होते हैं। मुझे बताइए कौन सी सर्विस है जो आपकी 5G, 8G, 10G, आपकी 200G ऐसी सर्विस लेके आए कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी एटम और एक ऐसा चीज जो 2000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड से चलता है और फिर आराम से जाके मरीख पे उतर जाता है और वहां से आपको लाइव वीडियो भेज रहा है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा वाईफाई है और वो कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू वहां से आपको लाइव वीडियो में आ रही होती है? इसका मतलब कुछ वैसा नहीं है जैसे हमें बताया जा रहा है। कोई मकसद है इसके पीछे जो हमें बताया जा रहा है। जी हाँ, मकासिद हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें बताता है इस कायनात का मरकज जमीन और आसमान है, इस कायनात का मरकज सूरज नहीं है, इस कायनात का मरकज अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान, अर्द अस्समावात वल अर्द, अस्समा, अल्लाह ने फरमाया। असल बात यह कि यकीन नहीं करते हमारे। बात नोट कीजिए, आज हमें बता दिया जाए, कोई ऐसी जो है वो हमारे सामने वीडियो बनाई जाए, हमें दिखा दिया जाए, हम पूरा यकीन कर लेंगे, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्या अल्लाह की बातों पर भी यकीन है? यहां पे अल्लाह ताला ने सारी चीजों के बाद कहा असल बात यह है कि यकीन नहीं कर रहे हैं। बल्ला युकीनून, अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं कर रहे और इंसानों की बातों पे 100% यकीन। और अगर कोई बात कर दे कि ये गलत है तो कहेंगे लो तू तो आज यहां बैठा है और इंसान चांद पे पर चले गए और आज तक तू यही सोच रहा है कि कैसे हुआ। हैरानगी है इस बात पे। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे मुसलमानों में सोचने वाली है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह ने फरमाया अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिक, क्या इनके पास रब के खजाने हैं? अम हुमुल मुसैतिरून, या ये उस पे जो है वो मुसल्लत हुए हुए, ये उस पे ऊपर मुसैतिर है, उसके ऊपर जो है वो छाए हुए हैं? क्या इनके पास ऐसा कुछ है कि ये जो है उसके जो है वो खजानों के दरोगे बने हुए, उनको संभाला हुआ इनके पास? ऐसा कुछ नहीं है। अमलहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फी, या इनके पास इतनी कोई ऊंची सीढ़ी है कि जाके जो है वो आसमान पे जो है चढ़ गए हैं? फलयअति मुस्तमिऊहुम, लाओ जिसने सुन किया है आसमान से बातें, कोई दलील लेके आओ, कोई अगर तुम्हारे पास दलील है। अमलहुल बनातु वलकुमुल बनून, तुम कहते हो कि अल्लाह की बेटियां हैं और अपने लिए बेटे बना रहे होते हो। अम तसअलहुम अजरन, क्या आप इनसे कोई मजदूरी मांगते हैं, कोई इनसे मुआवजा मांगते हैं कि ये लोग मानने के लिए जो नहीं मानते? फ़हुम मिन मगरम मुस्क़लून, कि ये उस मगरम में और उस जुर्माने में जो है वो जुर्माना इनके ऊपर बोझ बना हुआ है। क्या वजह है कि क्यों नहीं ये बात मानते? अम इंदहुमुल गैब, या इनके पास गैब का इल्म है, फ़हुम यक्तबून, जिसे इन्होंने लिखा हुआ है, क्यों नहीं मान रहे? अम युरीदून कैदन, या ये असल में साजिशें कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं। फ़ल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मकीदून, असल ये है कि जो काफिर है वही फरेब में पड़ रहे हैं, वो खुद काफिर, उन्हीं के ऊपर जो है फरेब हो रहा है। मत समझे कि आप दूसरों को फरेब में डाल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर फरेब हो रहा है। ये चीजें उन्हीं के खातों में लिखी जा रही हैं और यही चीजें जाके अल्लाह ताला अजाब बनाएगा। अमलहुम, ये अल्लाह के अलावा उनके कोई माबूद है? नहीं। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है उस सबसे जिन्हें ये अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। व इन यरौ किस्फम मिनस समा, अगर ये आसमान से टुकड़े टूटते हुए भी देख लेना, इनकी हालत ये हो गई है। अम यरौ किस्फम मिनस समा साक़ितन, तो यक़ूलू सहाबुम मरकूम, तो कहेंगे ये तो तह बतह बादल हैं जो नीचे आ रहे हैं। फ़ज़रहुम, छोड़िए इनको। हत्ता युलाक़ू यौमहुम अल्लज़ी फ़ीही युसअक़ून, यहाँ तक कि इन्हें वो दिन आएगा जिस दिन युसअक़ून, जिस दिन ये बेहोश होंगे। वो दिन आएगा जब अल्लाह का अजाब आएगा ना, उस दिन पता चलेगा। यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम शैया, वो दिन कि जिस दिन इनका फरेब, इनका मकर, इनका कैद इनके किसी काम नहीं आएगा। वला हुम युनसरून, और ना कोई मदद किए जाएंगे। व इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, और जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए इसके अलावा और भी अजाब है जिनका इन्हें पता नहीं है। फरमाया कुछ तो अजाब बता दिए है ना कि ये होना है, ये होना है, और भी अजाब है। जैसे अल्लाह ताला ने जन्नत वालों के लिए कहा है ना कि फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उफ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, किसी जान को नहीं पता कि अल्लाह ने उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ बना के रखा है। ऐसे ही जो काफिरों का अजाब है, अब ये थोड़ा सा बताया जहन्नम ये होगा वो होगा, लेकिन ये एक तस्वर दिया जा रहा है, असल ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ है। लेकिन इनके अक्सर जो है वो नहीं जानते हैं। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, फरमाया सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म पे। फ़इन्नका, बस बेशक आप हमारे सामने हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। ये एक मुहावरा होता है, फ़इन्नका भी आयुनिना, आप हमारे आंखों में हैं, आप सब्र कीजिए अपने रब के लिए, आपके हम गोया के मददगार हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और अपने रब की तस्बीह बयान करते रहिए। हीन तकूम, जब आप खड़े होते हैं, जब आप उठते हैं, जब सुबह के टाइम उठते हैं तो रब की हम्दो सना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं, उन्हें पढ़िए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तकूम व मिनल लैली, और रात को भी फसब्बिहु, तस्बीह पढ़े। व इदबारन नुजूम, और रात को जब सितारे जा रहे होते हैं, उन डूबते हुए सितारों के टाइम भी, वो फजर का टाइम आ रहा है, सितारे गायब होने वाले हैं, उस टाइम भी रब को याद करें। देखें, हीन तकूम सुबह आ गया, मिनल लैल आ गया, इदबार नुजूम, तीन टाइम बता दिए, सुबह और शाम को, रात को अपने रब के लिए। फसब्बिहु व मिनल लैल फसब्बिहु, इसका माना एक तो ज़ाहिरी माना यही बनता है कि रात को अपने रब के लिए तस्बीह बयान करें, लेकिन तस्बीह जो नफल नमाज होती है अरबी ज़बान में, उस पे भी सब्बिह का लफ्ज़ बोला जाता है कि रात को नमाज पढ़िए, और ऐसे ही उस वक़्त भी कि जब सितारे जो है वो जा रहे होते हैं। जब सूरज की रोशनी निकलने लगती है, सुबह सादिक होने लगती है, तो सितारे डूबने लग जाते हैं, यानी उनकी रोशनी डिम होने लग जाती है। उस वक्त भी अपने रब को याद कीजिए, उस वक्त भी अपने रब की हम्दो सना करते रहें, आप अपने आमाल पे कायम करते रहें। इन लोगों तक आपने अपनी बात पहुंचा दी है, इनका अंजाम ये होना है, आप अपने रब की इबादत पे लगे रहें, इंतज़ार करें। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, एक दिन वो आके रहेगा जिसका वादा किया जा रहा है। ये है इस सूरत तूर का एक मजमून, जिसमें अल्लाह ताला ने अज़ाब वालों को भी जोर अल्फाज में डांटा है और ईमान वालों की भी नेमतों का पूरी तरह खूब तज़किरा किया है, और उनके एतराज़ात के जवाब देकर भी आखिर में आके कहा है कि ए मुसलमानों, अल्लाह की इबादत को पूरे करते रहो और अपने रब के हुक्मों पे सब्र करते रहो। मत समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें भूल चुका है। फ़इन्नका बिअयुनिना, आप सामने हैं, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला ज़ालिम के जुल्म को भी देख रहा है। क़यामत वाला दिन जो है वो आना है, बदले का दिन। आज इस दुनिया की कोई मुसीबतें, कोई मुश्किलात कोई माना नहीं रखती हैं। मत समझें कि मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, मेरे ऊपर क्यों मुश्किलात आ रही हैं। अल्लाह ताला हो सकता है उसके बदले में कोई और बड़ी चीज अता करने वाला है, और अल्लाह ताला उसके बदले में एक जन्नत में मर्तबा देने वाला है। इसलिए सब्र करते रहे, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह की इबादत को पूरा करते रहे, सुबह के टाइम भी, रात को भी, और रात के आखिरी हिस्से में भी। अल्लाह हमें समझने की और अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो कुछ इन सूरतों में बयान किया गया है, अल्लाह हमें इसे समझने की भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का मनहज और दस्तूर बना दे। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। आज इसी पे इक्तिफ़ा है। इसके बाद जो है वो अगली सूरत सूरत नजम है, इंशाअल्लाह ताला वो हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।